तो भाई लोगों, क्या हाल हैं? और यार, मुझे लगता है कि पुष्पा और केजीएफ तो सभी ने देखी होगी, पर अगर सोचा जाए तो इन दोनों मूवीज में ऐसी क्या सिमिलैरिटीज हैं जो ये दोनों ही हमें इतनी पसंद आई। और बस यही नहीं, हमें गैंगस्टर मूवीज ही इतनी पसंद क्यों आती हैं, ये जानते हुए भी कि इनका लीड कैरेक्टर एक बुरा आदमी है, एक विलेन है, पर फिर भी हम उससे कनेक्ट कैसे कर पाते हैं। इन्हीं कुछ सवालों की आड़ में छुपे हुए जवाबों को हम ढूंढेंगे कि आखिर भाई ये राइटर्स और डायरेक्टर्स ऐसा करते क्या है कि लोग ऐसे गैंगस्टर्स को हेट करने की बजाय इनके फैंस बनने लगते हैं। तो चलो इसी को लेकर कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं और शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, यानी इनके पास्ट से। इन लीड रोल वाले ज्यादातर गैंगस्टर्स के बचपन को गरीबी या मजबूरी में दिखाया जाता है, जो कि इन्हें मोटिवेट करता है पैसा कमाने के लिए, बट शॉर्टकट तरीके से। अरे अपने पुष्पा और रॉकी को ही देख लो, बचपन में इनकी हालत पैसों को लेकर बहुत ही खराब थी और इन्हें पैसा कमाना था तो पकड़ लिया शॉर्टकट और बन गए बॉस। वैसे अंतिम में भी गरीबी की वजह से राहुल गैंगस्टर बना, पर वो बात अलग है कि आखिर में आकर उसकी छाती छलनी हो गई। अब इन सभी कैरेक्टर्स के पास्ट में हमें मजबूरी जरूर दिखाई गई है, जैसे जॉन विक भी अपनी मर्जी से उस धंधे में वापस नहीं आता बल्कि उसे आना पड़ता है। गैंग्स ऑफ बसेपुर में भी पहले सरदार खान के बाप का मर्डर होता है, उसके बाद वो बदला लेने के लिए गैंगस्टर बनता है। तो कुल मिला के बात यही निकलती है कि इनके पास्ट में कोई ऐसी मजबूरी या वजह इसलिए डाली जाती है ताकि ये ऑडियंस को पूरी तरह से गलत न लगे, क्योंकि अगर गलत लगेंगे तो लोगों को उनमें हीरो से ज्यादा एक विलन नजर आएगा और ज्यादातर व्यूअर्स फिल्म देखते वक्त अपने आप को एक हीरो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ना कि विलन के। तो इसलिए इन्हें इनके पास्ट से जस्टिफाई किया जाता है ताकि ऑडियंस को कोई गलत मैसेज न जाए, नॉट फुली इविल। अब ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन कैरेक्टर्स को ध्यान से समझने पर ये पता चलता है कि ये कैरेक्टर्स इविल तो हैं पर पूरी तरह नहीं। इनकी लाइफ में कुछ कुछ मोमेंट्स ऐसे आते हैं जहां ये दूसरों की हेल्प करते हैं और हमें लगता है कि यार बंदा बढ़िया है, गरीब की मदद कर रहा है। जैसे अपना राहुल भी एक बच्चे की हेल्प करता है, केजीएफ में रॉकी तो गरीबों का मसीहा बनकर आता है, नोबडी में अपना हीरो जो कि एक ट्रेंड किलर है अपने घर में घुसे चोरों को मार नहीं पाता क्योंकि उसने देख लिया था कि उन चोरों की गन में गोलियां ही नहीं है। और ऐसे ही न जाने कितने और काम ये ऐसे करते हैं जो इन्हें हमारी नजरों में विलन बनने से बचाते हैं, क्योंकि अगर ये पिक्चर के प्रोटैगनिस्ट को ही फुली इविल दिखाएंगे तो एंटैगनिस्ट का क्या ही रोल बचेगा। इसलिए इन्हें बुरा तो बनाया जाता है लेकिन थोड़ा कम, ताकि ऑडियंस से कनेक्शन बना रहे। नॉर्मल ह्यूमन, इस टाइम में अगर सबसे ज्यादा कोई कंटेंट चल रहा है तो वो है सुपर हीरो कंटेंट, बट ये सिर्फ थिएटर तक ही सीमित है। लेकिन गैंगस्टर रियल लाइफ में भी होते हैं, पहले भी थे, आज भी हैं और शायद आगे भी रहेंगे, लेकिन रियल लाइफ में वो इतने अच्छे नहीं होते। पर इन सभी में एक बात कॉमन है, ये हमारी तरह ही इंसान है, ना कि कोई सुपर हीरो जिसके पास बहुत सी पावर्स हैं। और किसी इंसान का एक ऐसे लेवल तक पहुंच जाना जहां विलेंस की भी इनके बारे में सुनकर फट जाए, ऐसे सीन पर किसको गूज़बम्प्स नहीं आएंगे। अरे जॉन विक में ही देख लो, जहां बाप अपने बेटे को पीटता है कि हरामी तुझे जॉन विक ही मिला था पंगा लेने के लिए, और अपने रॉकी भाई ने भी यहां रोला जमा रखा है। मतलब यार ऐसे ऐसे डॉन जिनके पास खुद के इतने सारे लोग हैं वो सिर्फ अकेले बंदे का नाम सुनकर ही डर जाते हैं, ऐसे बंदे से जिसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं है, वो एक नॉर्मल इंसान है और अकेला अपने दम पर आया है। अब हम में से हर कोई अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा करके अपना रोला जमाना चाहता है और ये कैरेक्टर्स वही करते हैं, जिस वजह से हम इनके साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। राइज, देखो शुरू से ही ये इन कैरेक्टर्स को पावरफुल दिखाते हैं, इनकी एक जर्नी दिखाते हैं कि ये कैसे इतने पावरफुल बने। मजबूरी और परेशानियां इनकी लाइफ में भी बहुत थी, पर ये उनसे हार मानने की बजाय उनसे लड़े और लाइफ में आगे निकल गए। अब ये सोचो कि आज के वक्त में किसके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है और कौन जिंदगी में आगे बढ़ना नहीं चाहता। सभी चाहते हैं पर हर कोई कर नहीं पाता, वहीं पर ये कैरेक्टर्स वो कर चुके होते हैं। केजीएफ में रॉकी पैदाइश से गरीब था पर उसे कुछ बड़ा करना था, और किस तरह से वो धीरे धीरे अपनी लाइफ में राइज करता है वही चीज तो मजा देती है। एक बच्चा जिसे कोई जानता भी नहीं था एक दिन पूरी मुंबई में अपने नाम का भोकाल कायम कर लेता है, और उसको जब पता चलता है कि मुंबई तो बहुत छोटी जगह है तब वो केजीएफ की गद्दी पर ही जा बैठता है। वहीं पर पुष्पा भी एक मजदूर था, एक दिन लाल चंदन कटवाने के चला गया, पूरे सिंडिकेट का नक्शा ही बदल दिया। मतलब ये हमारे मन के अंदर की भावनाओं को पूरा करते हैं। सब चाहते हैं कि उनके नाम का भोकाल पूरे इलाके में हो, वही इन कैरेक्टर्स का होता है। सभी लोग फास्ट फॉरवर्ड वे में तरक्की करना चाहते हैं। अब ये रियल लाइफ में तो पॉसिबल नहीं है, पर ये कैरेक्टर्स फास्ट फॉरवर्ड वे में ही तरक्की करते हैं, तो फिर हमें ये पसंद क्यों नहीं आएंगे। ब्रेव एंड बैडेस, अच्छा एक बात बताओ, पुष्पा देखते वक्त किस किस को ये फीलिंग आई थी कि साला चाहे कुछ भी हो जाए पर अब किसी से भी डर कर नहीं रहना है। ये होता है जब हम अपने हीरो की सिचुएशन से कनेक्ट कर पाते हैं। हालांकि वो सब फिक्शन में हो रहा है, बट हम सोचते हैं कि हम रियल लाइफ में अब किसी से नहीं डरेंगे। मोस्टली ये सभी कैरेक्टर्स बैडेस होते हैं, मतलब चाहे इनके सामने कोई छोटा मोटा गुंडा हो या फिर कहीं का बादशाह, ये अपनी पे आ जाए तो किसी को नहीं छोड़ते। जैसे रॉकी चाहता तो वो गरुड़ा को पहले ही मार सकता था, बट उसने उसके घर में घुस के उसे मारा। और पुष्पा भाई, ये बंदा तो सीनू के घर में घुस के सिर्फ लाल चंदन के प्राइस नहीं बढ़ाता बल्कि मारता है और फिर वार्निंग देता है। नोबडी में चाचा अकेले ही बस में इतने गुंडों को पेलते हैं, वो बात अलग है कि गुंडे भी इन्हें थपड़िया देते हैं, पर ये बस फाइट सीन बहुत ही औसम था। अब मैं आपको और कितने एग्जांपल दूं, जॉन विक ने तो आग लगा ही रखी है, वही अपने गुंडू भैया भी किसी से कम नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मेन विलन काफी ज्यादा पावरफुल होता है, या फिर मोस्टली टाइम विलन ग्रुप में होते हैं, क्योंकि हमारा हीरो एक गैंगस्टर तो होता है पर वो होता अकेला ही है, प्लस वो किसी से डरता भी नहीं है, इसलिए विलन को काफी ज्यादा पावरफुल दिखाना पड़ता है।
स्टोरी एंड डायरेक्शन। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो ऑब्वियसली वो है स्टोरी एंड डायरेक्शन, क्योंकि स्टोरी एंड डायरेक्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कहानी को बेहतर बनाने में। केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील ने ही चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों मूवीज की स्टोरी भी लिखी है। देखो कुछ मूवीज के बॉक्स ऑफिस नंबर्स को देखकर उनका सीक्वल बनाया जाता है। अब ऐसे में वो फिल्म की स्टोरी कंप्लीट करने के लिए नहीं बल्कि पैसा कमाने के लिए सीक्वल बनाते हैं। बट केजीएफ की स्टोरी को लिखा ही पार्ट्स में गया था, इसलिए उसका सीक्वल भी इतना जबरदस्त है। पर हाँ, अब उसका थर्ड पार्ट भी आएगा। वैसे पुष्पा के डायरेक्टर सुकुमार इस पिक्चर के राइटर भी है। हाँ, पर इसके डायलॉग श्रीकांत बिस्ता ने लिखे है, तो इसके सीक्वल को भी सुकुमार ही राइट और डायरेक्ट करेंगे। अब लास्ट में मैं बस इतना ही कहूंगा कि ये डायरेक्टर पर ही डिपेंड करता है कि उसे कैसी फिल्म बनानी है। और आज जो हमें ये गैंगस्टर वाले कैरेक्टर्स इतने पसंद आ रहे हैं, इसका क्रेडिट मूवी के एक्टर के साथ साथ डायरेक्टर और राइटर दोनों को भी जाता है। तो भाई लोगों, ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनसे पता चलता है कि हमें ये गैंगस्टर वाले कैरेक्टर्स इतने पसंद क्यों आ रहे हैं। आपको इन सभी में से कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद है कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाय।